आ गए हम कराची, बैक टू द कराची फ्यूचर। वापिस इधर यू टर्न मारते हैं, फिर हम कुछ डिस्कस करते हैं महंगाई के ऊपर। ये भी 35,000 रुपए का एक होगा ईद तक, और मुझे लग रहा है रमजान में जो भी है घेर घेर के मारेंगे, कुत्तों को काट पीट के भेज देंगे। अच्छा क्यों यार, 3 रुपए यूनिट बढ़ा दिया, साबुन पे बढ़ा दिए, टमाटर पे बढ़ा दिए, तनख्वाह वही है उसकी। अब वो घर के अंदर आ रहा है तो टेंशन अलग, सबसे पहले मर्द मर रहा है। जिसकी भी घर की बैल बजाओ, दादा मर गए, दादी है। अबे क्यों मर गए दादा, दादी क्यों नहीं मर रही? क्योंकि दादी तो खाना पकाते हुए आधा गोश्त तो खुद खा जाती है दादी। दादी उधर उतर के मलाई पूरी तोस पे लगाई, चीनी डाली, हुड़ बम समझ रहे दादी सिर्फ पका ही रही है। दादी तो आधे में लिमटा रही है, हर मूवी के अंदर दादी बैठी है। दादा मरे हुए 10 साल हो गए, सारी पोतियों को लिमटा के फिर दादी जा रही है, लंगड़ा लंगड़ा के स्टेज पे चढ़ रही है। नाना पहले मर रहे, नानी मरी नहीं। जिसके घर की बैल बजाओ, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इस पे आप रिसर्च शुरू कर दें आज से। मोहल्ले के अंदर बैल बजाए, वो बाहर आए, बोलना भाई दादा है, बोलेगा 10 साल हो गए मरे, दादी बोरी। तो ये औरत जो है ना, इसकी बड़ी फितरत है, इससे बचो, ये टेढ़ी पतली से बनी है। इसके पीछे अगर चलोगे तो सबसे पहले इंतकाल तुम्हारा ही होगा, भले तुम जितने भी वेल सेट हो। तुमने अगर औरत का दामन पकड़ लिया, पठान क्यों नहीं मरता? वो औरत को पीछे चलाता, खुद आगे चलता है पगड़ बांध के। 90 साल के इतने बड़े बड़े कान पे वाले मरी नहीं रहा, मैंने तो पठान का जनाजा ही नहीं देखा अभी तक। 105 साल, 102 साल, 90 साल, दांत भी वही, चश्मा भी नहीं लगा हुआ, हाथ भी मजबूत, औरतें उनकी बाहर। हमारे उर्दू स्पीक सबसे पहले मर रहे हैं, हर चीज पूछ रहे हैं। प्लम्बर आ गया, 1 मिनट रुको, कहां से लूं पाइप? अबे हर चीज औरत से कसाई आ गया, 1 मिनट, बचिया यानी वहां गिरेगी, 1 मिनट, कहां गिराऊं बचिया, वहां गिरवा ले। बोटियां बन रही है, 1 मिनट, साहब कैसी बनाऊं? बोटियां कौन सी बनाऊं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, भाई वो ये वाली। वो हद कर दी यार, एंड कर दिया आप लोगों ने, कि एक एक चीज। अबे बीवी अम्मी है आपकी, पहले तो मुझे इसका जवाब दो, मां से शादी करिए, बीवी से करिए, हर चीज वो जो चीज उसको मिलेगी वो ससुराल की अच्छी है। दर्दी कहां पर अच्छा है? अम्मी के घर के पास। पापे कहां के अच्छे हैं? अम्मी के घर के पास। गोश्त कौन देता साहब? अम्मी के घर के पास। फिर एक दिन वो अम्मी के पास ही ले जाती है, वही किराए पे रह रहा होता है वो वही किराए में रह रहा होता है। पूरा मिशन होता है, 15 साल में वो इतना स्लो पॉइजन दे के माइंड सेट करती है कि 10 साल बाद वो अपने भाइयों को छोड़ के ससुराल के करीब कहीं किराए पे पड़ा हुआ होता है वो, क्योंकि हर चीज वहीं की। डॉक्टर को दिखाना है, वहीं का अच्छा है, यहाँ तो बेकार डॉक्टर है। आप कहाँ रह रहे थे? अबे हम कहाँ रह रहे थे, हम कराची में तो रह रहे थे। तो ये इसके ऊपर वर्क करें अपने।